हेलो गाइस, आज मैं बना रही हूँ मोमोज़। इसके लिए मैंने एक कटोरी मैदा लिया है, आधा चम्मच नमक, एक चम्मच घी, तो अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एक सॉफ्ट डो तैयार करेंगे। ये देखिए, बिल्कुल सॉफ्ट डो बनके तैयार है। अब इसे एक घंटे के लिए रेस्ट करने देंगे, कवर करके इसको कवर करके रेस्ट कर लेते हैं। तब तक बाकी जो स्टफिंग है वो तैयार कर लेते हैं। मैंने कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दिया है। अब इसमें तेल डालूँगी एक चम्मच। सब्ज़ी को मैंने कद्दूकस कर लिया है, बंदा गोभी है, ये गाजर, शिमला मिर्च और थोड़ा सा ये एक हरी मिर्च है, अदरक और लहसुन कट कर लिया है मैंने। तेल गरम हो गया है, अब इसमें डालूंगी लहसुन, हरी मिर्च और अदरक, थोड़ा सा इसे भून लेंगे, मिक्स करेंगे अच्छे से। ये लाइट ब्राउन हो गया है, अब इसमें बाकी की सब्ज़ी डाल देते हैं। ये कैप्सिकम है, उसके बाद ये बंदा गोभी और गाजर करेंगे। दस सेकेंड के लिए इसे भून लेते हैं ताकि इसका जो कच्चापन है वो निकल जाए। इसके बाद इसमें हम सॉस वगैरह ऐड कर देंगे, चम्मच सोया सॉस, चम्मच टोमेटो केचप डालेंगे, मिक्स कर देंगे। आधा चम्मच सॉल्ट, आप अपने स्वाद के अनुसार डालिएगा। एक चम्मच विनेगर और मीडियम फ्लेम मैंने कर रखा है क्योंकि ये जल भी जाएगा अंदर से, तो मीडियम फ्लेम पे पकाएं। और सब्ज़ी आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। इसको और हेल्दी बनाने के लिए इसमें पनीर वगैरह भी डाल सकते हैं। तो दो मिनट इसे फ्राई करेंगे, ओवर कुक नहीं करना है वरना सब्जियों का टेस्ट ख़त्म हो जाता है। दो मिनट हो गया, मैं सब्ज़ी को निकाल लेती हूँ। वड्डो को अच्छी तरह मिला लेते हैं। एक घंटा हो गया है इसको सेट किए हुए। मैंने मेहंदी लगाया था तो आज मेरा हैंड रेड रेड दिख रहा होगा आपको, ऑरेंज ऑरेंज। ये बिला गया, अब इसमें स्टफिंग करेंगे। चम्मच इस पे इसमें सब्ज़ी डालेंगे, फिर ये देखिए एक दूसरे के ऊपर चिपकाते हुए इसे बना लेंगे। आप सेफ कोई सा भी ले सकते हो। ये देखो, बहुत फटाफट बन जाता है, टाइम भी ज़्यादा नहीं लगता और खाने में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। ये देखिए कितना अच्छा बन गया ना। मैं इसी तरह से सारे मोमोज़ को बना के रख लेती हूँ। देखिए, मैंने सारे मोमोज़ बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब इसे भाप पे पकाऊंगी। ये देखिए मैं मोमोज़ को कैसे बनाऊंगी। यहाँ पे मैंने कढ़ाई चढ़ाया है, फ्लेम ऑन करूंगी, फिर इसमें पानी डालूंगी, एक गिलास पानी डालूंगी। और ये थाली है होल वाली, इसमें पीछे ये भी लगा है स्टैंड, तो इसको डालूंगी इसमें। अब ये जाली के ऊपर मैं मोमोज रख दूंगी। ये देखिए, और जाली में मैंने दो बूंद ऑयल लगा के उसको लगा दिया है ताकि ये चिपकेगा नहीं अंदर से। सारे मोमोज को रख लूंगी, मैंने सारे मोमोज को रख लिया है और इसे मीडियम फ्लेम पे 10 मिनट पकाएंगे। अब इसको कवर कर दूंगी, मैंने थाली से कवर कर दिया है। अब कवर करके इसको 10 मिनट छोड़ देती हूँ। मोमोज बन रहा है तब तक हम मोमोज की चटनी तैयार कर लेते हैं। उसके लिए ये चार लाल मिर्च है और दो टमाटर है, इसको बॉईल होने के लिए चढ़ाएंगे। मैंने इसे गैस पर रख दिया है, अब फ्लेम को ऑफ ऑन करूँगी और इसका छिलका हटने तक इसे पकाऊँगी, टमाटर का छिलका हटने तक। 3 मिनट पकाने के बाद ये टमाटर का जो भी छिलका था वो निकलने लगा है, तो अब फ्लेम को ऑफ़ कर दूँगी और इसे थोड़ी देर ठंडा होने देंगे, फिर इसे ग्राइंड करेंगे।
12 मिनट पकने के बाद अब इसे देख लेते हैं ढक्कन हटा के कि ये कैसा है, पका है कि नहीं। वाह देखिए कितना बढ़िया पक के तैयार हो गया ये, 12 मिनट लगा इसे पकाते हुए। तो अब इसे निकाल लेते हैं, फ्लेम को ऑफ कर देते हैं, फिर इसे निकाल लेती हूँ सर्व करने के लिए। ये देखिए दोस्तों हमारा गर्मा गर्म मोमोज तैयार है। अब इसका जो चटनी था उसे पीस लेती हूँ। और लाल मिर्च है जिसे टमाटर का छिलका हटा के मैंने रख लिया है, और ये है कुछ लहसुन की कलियाँ, और ये अदरक का थोड़ा। ये देखिए मोमोज सर्व करने के लिए रेडी है। ये वाइट वाला मेयोनीज है जो आयांश खाएगा। तो हमारी वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर बताना, और लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।